बच्चों आज हम लोग ITF चैप्टर देखेंगे। जनरली ITF में हम लोग आज वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। ITF का पूरा नाम है इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ITF, ITF, ITF। इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इसमें एक टेबल आपको याद रखनी है। वो टेबल क्या है? जनरली यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है। एक फंक्शन लिया, ये इसका डोमेन है और इधर इसका ये रेंज लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है। जनरली हम लोग जो फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग देखें साइन इनवर्स एक्स का। बात करें साइन इनवर्स एक्स की, जो डोमेन होती है, हमेशा याद रखें साइन इनवर्स के अंदर ये जो एक्स है, जो इनपुट करते हैं वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यदि इसके बाहर इनपुट कर रहे हैं तो वो इनवैलिड इनपुट होगा, वो कोई आउटपुट देगा ही नहीं। मीन्स साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाना चाहिए किसके बीच में हो, -1 से 1 के बीच में। वही बात करें कि साइन इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, तो जो साइन इनवर्स का आंसर होता है वो -π/2 से π/2 तक जाना चाहिए। क्लियर है? मीन्स डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। चलिए कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है -1 से 1। मीन्स कॉस इनवर्स के अंदर भी जो इनपुट करते हैं वो -1 से 1 होता है, बट इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। मीन्स जो कॉस इनवर्स का आंसर निकलेगा वो 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और इनके बीच में हो सकता है, कभी इसके बाहर आउटपुट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बात करें टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स में जनरली जो इनपुट होता है वो रियल नंबर होता है। हम कोई भी रियल वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ तक की एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इसमें जो आउटपुट निकलेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब बहुत ध्यान से देखें ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। मीन्स -π/2 कभी आंसर में नहीं आना चाहिए और π/2 भी आंसर में नहीं आना चाहिए। इनके बीच वाली वैल्यूज आपकी आंसर में होनी चाहिए। यदि इसके बाहर है तो वो इनवैलिड है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग देखें कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसका जो आपका इनपुट होता है वो होता है रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1। इसके अंदर जो इनपुट करते हैं वो इनपुट होता है सारे नंबर इनपुट करना, लेकिन वो नंबर्स इनपुट ना करना जो -1 से 1 के बीच में है। वहीं इसकी बात करें रेंज की, तो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज आती है वो आती है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, मतलब -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, लेकिन याद रहे इस वाले केस में कभी भी जीरो आंसर नहीं आना चाहिए। मतलब कॉस इनवर्स एक्स कभी भी जीरो एज अ आउटपुट नहीं देता है। चले सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स का जो इनपुट होना चाहिए वो रियल नंबर -1 से 1, मतलब सब कुछ पुट करना लेकिन वो क्वांटिटीज पुट ना करना जो -1 से 1 के बीच में है। बट इसके रेंज की बात करें तो रेंज आती है 0 से π, मतलब 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कभी भी π/2 आपका सेक इनवर्स एक्स का आंसर नहीं आना चाहिए। वहीं बात करें कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, मतलब कि सारे इनपुट्स हम लोग कर सकते हैं। कॉट इनवर्स का जो आउटपुट निकलता है वो आपका आएगा ओपन इंटरवल 0 से π। तो ये जनरली जो आपके 12th में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जो सिलेबस में है, डोमेन एंड रेंज,
खासकर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। हमें हर एक ITF फंक्शन का, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हमें डोमेन भी पता होना चाहिए और इनका क्या पता होना चाहिए, रेंज भी पता होना चाहिए। क्लियर है? ये सभी को बिल्कुल याद कर लेना है। साइन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाय टू हो सकता है, पाई बाय टू हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है। कॉस इनवर्स का जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है। टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब होता है माइनस पाई बाय टू नहीं होगा, पाई बाय टू होगा, बीच वाला भी हो सकता है। क्लियर है? वही कॉसेक इनवर्स की बात करें, कॉसेक इनवर्स का जो आउटपुट होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होता है, जीरो नहीं हो सकता। मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। क्लियर है? तो चलिए फटाफट इनको नोट कर ले, देन हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इनकी प्रैक्टिस। नोट हो गया सभी का? चलिए रफ कर दें। बट ये याद होना चाहिए सभी को, मतलब ये डोमेन और रेंज बिल्कुल फटाफट याद होनी चाहिए। ठीक है? इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्टली इन पर बेस्ड आएंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये क्वेश्चन है। अभी हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हमें आउटपुट बताना है। क्या बताना है? आउटपुट का मतलब इसका रेंज बताना है। रेंज का मतलब एक तरीके से इसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन अपने रेंज में बतानी है। वी नो दैट साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा बेटा? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आ सकता है, और पाई बाय टू भी आ सकता है, और माइनस पाई बाय टू भी आ सकता है। यही तो इसकी रेंज है। अब मेरी बात समझे, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या है? एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाते हैं। तो जैसे ही साइन इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा? साइन। अच्छा, उधर क्या बचा? माइनस वन बाय टू। साइन की वैल्यू क्या बची? माइनस वन बाय टू। अब मेरी बात समझे, इसके हिसाब से सोचें, आपका जो आंसर है वो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो दो, ये जीरो से पाई बाय टू लिखा है और ये माइनस पाई बाय टू से जीरो है। मतलब ये माइनस पाई बाय टू से लेकर के माइनस पाई बाय टू से लेकर के प्लस के पाई बाय टू तक आप आंसर कर सकते हैं। मतलब किस किस क्वाड्रेंट में कर सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स का आंसर कर सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स का आंसर कर सकते हैं। आप देखिए, यहीं से दिख जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में करना है, मतलब या तो फोर्थ में होगा या फर्स्ट में, यही तो होगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। क्लियर है? अब मेरी बात समझो बेटा, यदि साइन की बात करें तो यहां पर साइन की वैल्यू ये कैसे लिखी हुई है? निगेटिव। तो बेटा साइन इसमें कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये वाला इसमें साइन पॉजिटिव होता है और इस वाले में साइन कैसा होता है? निगेटिव। तो अभी हमें किस क्वाड्रेंट में आंसर करना चाहिए? फोर्थ वाले में। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू कैसी लिखी हुई है? निगेटिव। तो निगेटिव तो फोर्थ में होती है। अब मेरी बात समझना, कैसे लिखोगे? साइन वाई इक्वल टू साइन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, आप ऐसे सोचें, जैसे यहां पर अल्फा है तो यहां एंगल क्या हो जाता है? माइनस अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस अल्फा। वन बाय टू वैल्यू कब होती है? पाई बाय सिक्स पर। तो यहां पर क्या लिखोगे? माइनस पाई बाय सिक्स। तो यह क्या आ जाएगा? माइनस का पाई बाय सिक्स। साइन माइनस थर्टी पर क्या देता है? माइनस वन बाय टू। दोनों तरफ से साइन चला गया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई बाय सिक्स। क्या बेटा ये माइनस पाई बाय सिक्स अपनी रेंज में है? इट मींस ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? फटाफट नोट करें। चलने दो, ये सब हमारे बच्चे देखेंगे, किसी और को दिखेगा ही नहीं। अपने बच्चों को चाहे जैसे पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ। क्यों? तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिख गया सभी का। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, ये किसका क्वेश्चन है? कॉस इनवर्स का। वी नो दैट यार, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कहां से कहां तक होता है? जीरो से पाई। अच्छा क्या बेटा इसमें जीरो आ सकता है? बिल्कुल। पाई आ सकता है? आ सकता है। क्या बीच वाली वैल्यूज आ सकती हैं? आ सकती हैं। इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जीरो से पाई का मतलब समझ रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट, या तो आपका आंसर फर्स्ट में होगा या फिर किस में होगा? सेकंड में। यही तो जीरो से लेकर के पाई तक जाएगा बेटा। क्लियर है? जीरो से पाई का मतलब क्या है? फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक। अब मेरी बात समझो बेटा, कॉस इनवर्स को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा? कॉस वाई, इधर क्या बचा? रूट थ्री बाई टू। अब एक चीज, तो ये कॉस की जो वैल्यू लिखी है कैसी, पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। अच्छा कॉस पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में होता है या सेकंड में? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में निगेटिव। यदि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव के बराबर तो फर्स्ट में आंसर करे, और निगेटिव के बराबर होती तो सेकंड में। तो फर्स्ट वाले में तो सीधे अल्फा आंसर करते हैं और इस वाले में पाई माइनस अल्फा आंसर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी ये तो भाई पॉजिटिव है, फर्स्ट में आंसर करेंगे, तो ये क्या आ गया? कॉस वाई इक्वल टू। अच्छा रूट थ्री बाई टू कब होता है कॉस बेटा? 30 पर होता है, मतलब पाई बाई 6 पर होता है। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? पाई बाई 6। क्या ये पाई बाई 6 बेटा जीरो से पाई के बीच में है? बिल्कुल, अपनी रेंज में है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। फटाफट नोट करें स्पीड में। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अच्छा कॉसेक इनवर्स को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा? कॉसेक वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर। अच्छा एक चीज, तो बेटा जो कॉसेक इनवर्स का आउटपुट होता है, कॉसेक इनवर्स का आउटपुट कहां पर लाई करता है? कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक लाई करता है। लेकिन याद रहे बेटा इसमें क्या आंसर नहीं आना चाहिए? जीरो आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब एक चीज, तो बेटा कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है? थोड़ा सा हल्की सी इसके एनालिसिस करते हैं। मतलब कॉसेक इनवर्स का जो आंसर होगा वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक दे सकते हो। मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में दोगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोगे तो क्या दोगे? अल्फा। फोर्थ में दोगे तो क्या दोगे? माइनस अल्फा। आ रही बात समझ में? अच्छा ये 2 कब होता है कॉसेक? कॉसेक की वैल्यू 2। अच्छा साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर। तो कॉसेक 30 कितना होता है? 2 होता है। तो कॉसेक 30 का मतलब पाई बाई 6। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा? पाई बाई 6। अभी देखो ये कॉसेक पॉजिटिव था इसलिए किस क्वाड्रेंट में दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया। फटाफट लिख लें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है टैन इनवर्स माइनस के रूट थ्री की। किसकी निकालनी है? टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अच्छा टैन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाय टू से। लेकिन माइनस पाई बाय टू नहीं होना चाहिए और पाई बाय टू नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसका जो आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या करोगे? अल्फा। फोर्थ वाले में माइनस अल्फा। टेन पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में। निगेटिव किस में होता है? फोर्थ में। चलिए यहां से देखें, टेन इनवर्स इधर चला गया, क्या बचा? टेन। अच्छा उधर क्या बचा? ये क्वांटिटी कैसी है? तो निगेटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? फर्स्ट या फोर्थ में? फोर्थ में। अभी फोर्थ के हिसाब से चलना बेटा। टेन वाई। अच्छा रूट थ्री कब होता है? टेन।
60 पर पाई बाई 3, लेकिन हमें आंसर किस में करना है, फोर्थ में, तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 60 मतलब माइनस का पाई बाई 3, क्योंकि फोर्थ के हिसाब से ही चलेंगे हम लोग। तो यहां पर जो y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, माइनस का पाई बाई 3। क्या ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है? बिल्कुल है, फटाफट नोट करें। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा, कॉस इनवर्स का बेटा कहां से कहां तक आंसर होता है, कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक। जीरो से पाई का मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या करते हो, अल्फा, सेकेंड वाले में पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट वाले में कॉस कैसा होता है और सेकेंड वाले में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। अब मेरी बात समझे, ये तो कॉस इनवर्स को इधर भेज दिया तो क्या बच गया, कॉस, उधर क्या बचा, माइनस 1/2। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी कैसी बेटा, निगेटिव है, तो निगेटिव किस में है, फर्स्ट में या सेकेंड में, सेकेंड में। तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, पाई माइनस अल्फा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 1/2 कॉस कब होता है, 60 मतलब पाई बाय 3 पर। तो अभी हम लोग आंसर क्या करेंगे, पाई माइनस 60 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये लिखेंगे कॉस पाई, जो भी यहां लिखा है पाई लिखा माइनस लिखा, 1/2 कब होता है, पाई बाय 3 पर होता है, मतलब 60 पर होता है। कॉस से कॉस चला गया तो वाई इक्वल टू, पाई से पाई बाय 3 गया, क्या बचा, 2π/3। अभी इसमें कोई डाउट है, अभी यह एंगल क्या करना है, सेकेंड में देना है ना, सेकेंड में मतलब पाई माइनस अल्फा। अच्छा, 1/2 कब होता है, पाई बाय 3 पर, तो पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब 2π/3। क्या अपनी रेंज में है, क्या 2π/3 जीरो से पाई के बीच में है, बिल्कुल, 2π/3 पाई से छोटा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1, ओके। अच्छा, टेन इनवर्स के बारे में तो आ चुका है, कहां से कहां तक आंसर होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओपन इंटरवल, मतलब या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना, इधर क्या बचा, टेन वाई, उधर क्या बचा, 1। अच्छा, ये क्वांटिटी कैसी बेटा, तो ये तो फर्स्ट में आंसर जाएगा, फर्स्ट में आंसर जाएगा, तो 1 कब होता है, 10 बेटा, 10 पाई बाय 4 पर, 45 पर। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, अरे बोलो भाई, पाई बाय 4 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, 45। क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, है बिल्कुल है, फटाफट नोट करें। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अच्छा, sec इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक, जीरो से, अरे बोलो भाई, जीरो से पाई तक, और क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है बेटा, जीरो से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो आंसर अल्फा होगा या तो पाई माइनस अल्फा, क्लियर है। अच्छा, ये sec इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, ठीक है, उधर क्या बचा, 2/√3। अच्छा, ये क्वांटिटी कैसी बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव किस में होता है, sec, फर्स्ट में या सेकेंड में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में निगेटिव, तो अभी फर्स्ट में ही रहना है, तो sec y 2/√3 कब होता है बेटा, 30 पर होता है, तो 30 का मतलब पाई बाई 6 पर। तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, पाई बाई 6, फटाफट नोट करें, अपनी रेंज में है।
आगे बढ़े। चलिए एट्थ क्वेश्चन लेते हैं, कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री। अच्छा कॉट इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है? ओपन इंटरवल जीरो से पाई। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट और सेकंड। अच्छा फर्स्ट में आंसर करोगे क्या करोगे? अल्फा। सेकंड में क्या करते हैं? पाई माइनस अल्फा। चलिए कॉट इनवर्स इधर चला गया, क्या बचा? कॉट बचा, उधर क्या बचा? रूट थ्री। अच्छा कॉट की वैल्यू रूट थ्री बेटा कब होती है? अच्छा ये क्वांटिटी है कैसी बेटा? पॉजिटिव। तो किस में दोगे? फर्स्ट में या सेकेंड में? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सीधे अल्फा लिखते हैं। कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब? पाई बाय सिक्स पर। तो पाई बाय सिक्स का मतलब ये, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? पाई बाय सिक्स। फटाफट नोट करें, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस का वन बाय टू, नहीं माइनस का वन बाय रूट टू है, माइनस का वन बाय रूट टू। अभी आपका जो कॉस इनवर्स का आंसर होता है वो कहां से कहां तक होता है बेटा? अरे बोलो, जीरो से पाई तक होता है बेटा। सामने नहीं हो, है ना, उधर ही कहीं बैठ जाओ, है ना। जीरो से पाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझे, कॉस इनवर्स का रेंज जीरो से पाई। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, जीरो से पाई का मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट या सेकेंड? अच्छा फर्स्ट वाले में आंसर क्या करते हैं? अल्फा। सेकेंड वाले में पाई माइनस अल्फा। वो डिपेंड करेगा किस में पॉजिटिव है, किस में निगेटिव। अच्छा कॉस इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अच्छा उधर क्या बचा? माइनस का वन बाई रूट टू। ये क्वांटिटी बेटा कैसी है? निगेटिव। फर्स्ट में होता है या सेकेंड में? अरे कॉस इनवर्स तो सेकेंड में ही निगेटिव होता है, सॉरी कॉस, है ना। तो अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचें। अच्छा वन बाय रूट टू कब होता है? 45 पर। तो आंसर क्या करना है? पाई माइनस पाई बाय फोर। तो ये जनरली लिखा क्या? 3π/4। तो ये y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3π/4। क्लियर है? फटाफट नोट करें, हो गया। अरे वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th लेते हैं। टेंथ है आपको कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट टू, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा कॉसेक इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। और क्या नहीं हो सकता है बोलो बेटा? जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। या तो फर्स्ट में आंसर करोगे या फोर्थ में। अच्छा फर्स्ट में आंसर क्या करोगे? अल्फा। फोर्थ में माइनस अल्फा। अच्छा ये कॉसेक इनवर्स इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? कॉसेक वाई। उधर क्या बचा? माइनस का रूट टू। ये क्वांटिटी बेटा कैसी है? निगेटिव। किसमें होगा? फर्स्ट में या फोर्थ में? फोर्थ में। तो ये हो गया कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक। फोर्थ में क्या लिखोगे बेटा? रूट टू कब होता है कॉसेक? पाई बाय फोर पर। तो ये फोर्थ में क्या लिखोगे? माइनस का पाई बाय फोर। क्लियर है? ये और ये चला गया बेटा एक तरीके से। तो y की वैल्यू कंपेयर करते जाता नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके इनपुट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तो इधर उधर क्या आया बेटा? y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का पाई बाय फोर। क्या अपनी रेंज में है? बिल्कुल है। फटाफट नोट करते गए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ एक मिनट बता देते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या लेते हैं? अल्फा। इसमें क्या लेते हैं? पाई माइनस अल्फा। इसमें क्या लेते हैं? कभी थर्ड में आंसर होता ही नहीं किसी का। आप देखो साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक था? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कॉस इनवर्स का जीरो से पाई। टेन इनवर्स का
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, कॉट इनवर्स का जीरो से पाई है ना, सेक इनवर्स का जीरो से पाई, लेकिन क्या नहीं होगा, पाई बाय टू नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जीरो नहीं होगा, क्या कभी थर्ड में आंसर है, कभी भी कॉट इनवर्स का आंसर थर्ड में होता ही नहीं है, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में या फोर्थ में, कभी जिंदगी में थर्ड में नहीं जाएगा, ठीक है, थर्ड की बात ही नहीं करेंगे, क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात समझे, आगे क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। इस वाले में आपको वैल्यू निकालनी है टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस का वन बाय टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, टेन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। अच्छा वन कब होता है, अरे बोलो 45 पर, फर्स्ट में ही दोगे, अभी तो डायरेक्ट सोच सकते हो। अच्छा कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव है, कॉस के अंदर आंसर कहां से कहां तक होता है, जीरो से पाई तक, लेकिन फर्स्ट में नहीं दोगे क्योंकि अंदर कैसा बेटा निगेटिव, तो किस में दोगे, सेकेंड में। सेकेंड में आंसर क्या करते हैं बेटा, पाई माइनस अल्फा वन बाई टू कब होता है, कॉस कब होता है, पाई बाई थ्री पर। आ रही बात समझ में, देखिए कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव है, आंसर अपना जीरो से पाई तक होता है, तो फर्स्ट में तो करना नहीं है, सेकेंड में करना है, सेकेंड में आंसर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। अच्छा अब इसको देखें बेटा, साइन इनवर्स का आंसर होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, अंदर कैसा है निगेटिव, तो फर्स्ट में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, फोर्थ में। माइनस वन वन बाई टू कब होता है बेटा, थर्टी पर, तो ये क्या देगा, माइनस का पाई बाय सिक्स। अभी ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, नाइन पाई बाय, तो कैंसिल भी तो होगा थ्री से, थ्री पाई बाई, थ्री पाई बाई फोर, पक्का। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अच्छा बेटा कॉस इनवर्स का जो आंसर होता है वो कहां से कहां तक होती है, जीरो से पाई, अंदर पॉजिटिव तो फर्स्ट में दोगे, वन बाय टू कब होता है, बोलो बेटा पाई बाई थ्री पर, कब होता है, पाई बाई थ्री पर होता है। अच्छा ये टू लिखा हुआ है, इस टू को तो एज इट इज लिख दें। अच्छा साइन इनवर्स का आंसर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन फर्स्ट में दोगे क्योंकि अंदर पॉजिटिव, वन बाय टू कब होता है बेटा, पाई बाय ना पाई बाय सिक्स पर होता है वन बाय टू, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना बचेगा, टू पाई बाय थ्री बचेगा। आप सॉल्व करके देखें, आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन, वाई की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में। बी ऑप्शन, वाई की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से प्लस के पाई बाय टू के बीच में। सी ऑप्शन, y की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में। डी ऑप्शन, y की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा है, पक्का। अच्छा देखो साइन इनवर्स की किसकी वैल्यू पूछी गई, y की, y का मतलब आउटपुट,
साइन इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और क्लोज इंटरवल होता है, मतलब माइनस पाई बाय टू भी ले सकते हैं और पाई बाय टू। इसका मीनिंग है एक तरीके से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। इस क्लोज का मतलब इक्वल लगेगा दोनों पे, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका एक और है, 14। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। वैल्यू बतानी है आपको टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस का सेक इनवर्स माइनस टू। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना है। टेन इनवर्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोगे, अंदर पॉजिटिव है ना। रूट थ्री कब होता है? 60 पर, मतलब पाई बाय थ्री पर। माइनस लगा दें ये वाला। अच्छा सेक इनवर्स के अंदर कैसा लिखा है? आंसर जीरो से पाई तक देते हैं, मतलब फर्स्ट में तो देंगे नहीं, किस में देंगे? सेकेंड में। सेकेंड वाले में क्या करते हैं? पाई माइनस अल्फा। अच्छा टू कब होता है सेक? कब होता है? पाई बाय थ्री। पक्का पाई बाय थ्री। तो ये सॉल्व कर ले बेटा, दो क्या बचा? कितना? पक्का माइनस का पाई बाई थ्री। तो ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, क्लियर है।